रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आइए जानते हैं पत्थरी रोग के बारे में। पत्थरी रोग का संबंध पेशाब रोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिन लोगों के गुर्दे में पत्थरी होती है उन्हें पेशाब रोग तो लगते ही हैं, साथ ही गुर्दे में दर्द भी होने लगती है। पत्थरी रोगी को जब भी दर्द उठता है तो दर्द के मारे उसकी चीखें निकल जाती हैं। कई रोगी तो मछली की भांति तड़पते नजर आते हैं। मैंने उन लोगों को डर के मारे कांपते देखा है जिन्हें इस बात का पता चल जाता है कि वे पत्थरी रोग का शिकार है, क्योंकि हमारे यहाँ यह भी बात प्रसिद्ध है कि पत्थरी का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के नाम से लोग डरने लगते हैं, हालांकि हमारे आयुर्वेद उपचार पद्धति में पत्थरी का इलाज कोई कठिन नहीं है। हम बहुत ही साधारण रूप से इसका उपचार खान पान द्वारा ही कर सकते हैं, जैसा कि पालक। पालक को निरंतर अपने खाने में मिलाएं, सुबह से लेकर शाम तक कई दिनों तक लगातार प्रयोग करने से पत्थरी रोग ठीक हो जाता है। कच्चे नारियल का पानी पीने से भी पत्थरी टुकड़े होकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाती है। करेला गुर्दे के अंदर की पत्थरी को टुकड़े करके बाहर निकाल देता है। उपचार के लिए रोगी को प्रतिदिन सुबह के समय 2 करेलों का रस चीनी और नमक डालकर पी ले। मक्का यानी भुट्टे को जलाकर उसे कूटकर पीसकर राख तैयार करके उस राख को छानकर उस राख के 2 चम्मच पत्थरी रोगी को पानी के साथ सेवन करवाएं। 15 से 30 दिन तक पत्थर पेशाब में घुलकर बाहर आ जाएगी। जौ के सत्तू पानी में घोलकर सुबह शाम 2 समय सेवन करने से पत्थरी रोग दूर हो जाता है। पत्थरी रोगी को जौ के आटे की ही रोटी खिलाएं। बड़ी इलायची के 20 दाने, 100 खरबूजे के बीज और 200 कूजा मिश्री, इन सबको बारीक पीसकर 1 गिलास पानी के साथ सेवन करने से पत्थरी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती। पत्थरी रोगियों के लिए दूध की जड़ भी बहुत लाभदायक होती है। दूध पौधे को जड़ समेत धरती से बाहर निकाल लें, फिर उसकी पत्तियों को तोड़कर अलग कर लें। जड़ की मिट्टी को पानी से धोकर साफ करें, फिर सिलबट्टे पर पीस लें। इसे छान कर 1/2 गिलास पानी मिला लें। अब उसमें कूजा मिश्री मिलाकर पी जाए। दिन में 2 बार 15-20 दिन तक सेवन करने से पत्थर घुलकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल आती है।